3 सितंबर 2003 में तजाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे अब्दुल रोजिक आज पूरे इंडिया के छोटे भाई जान बन चुके हैं। 19 साल की उम्र में दुबई में आज अब्दू का करोड़ों का घर बन रहा है। वेल दोस्तों, अब्दुल रोजिक का स्ट्रगल एक आम इंसान से काफी ज्यादा रहा। अब्दू के फर्श से अर्श तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अपने हुनर और हिम्मत के साथ न सिर्फ तजाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब्दू ने प्यार और पॉपुलैरिटी दोनों ही बटोरी है। दोस्तों आपको बता दें, जब अब्दू महज 4 साल के थे तब उन्हें रिकेट्स नाम की एक बीमारी ने जकड़ लिया था। घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अब्दू का इलाज करा सके, और इसीलिए रिकेट्स की इस बीमारी के वजह से अब्दू का पूरा डेवलपमेंट ओवरऑल बॉडी का यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया। अब्दू की हाइट महज 3 फीट और वजन 15 किलो का है। वहीं दोस्तों उनका घर भी काफी गरीबी में गुजरा है। उनके घर वाले काफी ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपको बता दें, बिग बॉस के घर के अंदर आने से पहले बिग बॉस ने जब इंट्रोड्यूस किया था अब्दू रोजिक को, उससे बहुत पहले ही अब्दू ने इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी कमा ली थी। अब्दू पॉपुलर हुए थे जब उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना एन्ना सोना इस पर अपनी खूबसूरत गायकी का कमाल दिखाया था। दोस्तों अब्दू जब काफी छोटे थे तब उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था कि उनके घर की दीवार से पानी टपका करता था। उनकी छत से अक्सर पानी बहता था, जिस वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन आज अपनी मेहनत अपनी हुनर से अब्दू रोजिक ने दुबई जैसी बड़ी जगह में एक बहुत ही लविश हाउस बना लिया है। बिग बॉस के घर के अंदर जब फैमिली वीक चला तब ऐसे में उनके घर वालों के साथ वीडियो कॉल हुई और देखा गया कि दुबई में उनका कितना खूबसूरत और करोड़ों का शानदार महल बन रहा है। उनके भाई ने दिखाया कि उनके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब्दू को स्विमिंग करना बहुत पसंद है। आपको बता दें कि बिग बॉस के इंट्रोडक्शन के दौरान जब बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब बिग बॉस यानी कि सलमान खान ने इस बात को साफ किया था कि ना सिर्फ अब्दुल रोजिक ने इतना सोना गाना गा के हर किसी को अपना दीवाना बना दिया, लेकिन किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की फिल्म में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना गाया है। यानी कि अब्दू इंडिया के भाई जान सलमान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, और उनकी ये बढ़ती पॉपुलैरिटी ही वजह है कि वो बिग बॉस के घर के अंदर आए और इस वक्त पूरे इंडिया की जान बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप अब्दू रोजिक की इस इंस्पायरिंग जर्नी पर? हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।